Leo, du! Ja. Hörst du durch? Hey, Pat! Good morning, Rainbow Fam. कैसे हैं सब लोग? उनका दस ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह. हम सभी ठीक ठाक हैं. सुबह के जो है 10:30 होने वाले हैं और वी जस्ट ड्रॉप सारा फॉर हर यू कैन से म्यूजिक वर्कशॉप. एंड मैं और यही जो है अगेन सुबह जल्दी उठ गया. वैसे यूजली पूरा हफ्ता तो मैं जल्दी उठी थी, उठना ही पड़ता है क्योंकि यू नो यही को काम पर जाना है, सारा कुछ स्कूल के लिए रेडी करना है, तो ये सब चीज़ें होती है. तो सुबह तो उठना ही होता है. एटलीस्ट एक वीकेंड ऐसा होता है कि मेरा होता है कि यार मैं बिना अलार्म के उठूँ, थोड़ा और एक्स्ट्रा सो, बिकॉज आई हेट वेकिंग अप विद अलार्म. आई जस्ट लाइक टू स्लीप इन, यू नो, आई जस्ट लव इट. बट आज ऐसा नहीं हो सका. सो व्हाई आर यू गोइंग फॉर कार वॉश? तो बस ऐसा ही था. इनसाइड आई वेंट फॉर अ कार वॉश यस्टरडे. इंडोर क्लीनिंग. एनीवेज तो आज भी जो है पेरेंट्स ड्यूटी निभा रहे थे हम दोनों, और जल्दी उठ के तो सारा के साथ जो है फिर हम उसके वर्कशॉप पे उसको ड्रॉप किए. तो अब भी हमारे पास 4 घंटे अंदर में पिक करा. और वैसे भी अब ऐसा भी नहीं था कि उसको जो है ड्रॉप करके हम आ जाते घर वापस, और फिर जब उसका जो शो भी जो भी होना था तो वो उस वक्त जो है हम जाते, क्योंकि दूर है, आधा घंटा आधा पौन घंटे की दूरी पर जो है ये जगह है. तो सोचा कि चलो थोड़ा सा गाड़ी का गंद भी हम समेट लेते हैं और थोड़ा सा कॉफ़ी डे भी आज करते हैं, क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग के हम लोग बाहर नहीं निकले इस तरह कॉफ़ी के लिए. और आई एम रियली क्रेविंग सम कॉफ़ी. कॉफ़ी हम घर में बना के भी पी सकते हैं, लेकिन उसको खुद बनानी पड़ेगी ना. मुझे तो कोई बना के यहाँ जी तो बनाएंगे नहीं मेरे लिए, तो इससे अच्छा था कि बाहर किसी कॉफ़ी शॉप में जाके अच्छे से जो है कॉफ़ी हमें जहाँ सर्व हुआ वहाँ से कॉफ़ी पिए. बट या पहले जो गाड़ी साफ़ कर लेते हैं. बहुत गंदी हो रही है, लिटरली बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों मौसम बहुत ख़राब रहा है, बर्फ़ बहुत रही है, बारिशें बहुत रही हैं, तूफान रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है सारी रेत जो है समंदर के, क्योंकि हम जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं समंदर से, सी साइड से, तो बीच की सारी जो सैंड है वो सारी गाड़ी में आई हुई है, पैरों से सारा गंद अंदर आया हुआ है बारिश की वजह से और स्नो की वजह, स्नोफॉल की वजह से. तो इट इज़ हाई टाइम नाउ कि मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, बारिश थोड़ी हालांकि अभी भी हो रही है लेकिन थोड़ी थमी है, और इतनी ठंड भी नहीं है. लाइक राइट नाउ इट्स 8 डिग्री है बाहर, तो इट्स नॉट दैट बैड. सो इसलिए जो है ना गाड़ी भी साफ कर ही लेते, इस टाइम को जो है सारा यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. यूजली हम लोग घर पर ही जो है गाड़ी साफ़ करते हैं, लेकिन क्योंकि अब बाहर निकले हुए हैं घर पर नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पेट्रोल पम्प पर आए हैं. तो यहाँ पर कार वॉश भी है, यहाँ पर हम वैक्यूम भी कर सकते हैं गाड़ी. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. गाड़ी का हाल देखा है, बोतलें और गंद, लाइक बहुत गंदा हाल है गाड़ी का लिटरली. शुक्र है गाड़ी की जो है शक्ल निकली है, काफ़ी बेहतर लग रही है अब, यहाँ से भी काफ़ी बेहतर हो गई है. बस अब वो वाली साइड आई वाली रह गई एंड देन वी आर डन. बट अभी सोच रहे कि गाड़ी की जो है ना प्रॉपर एक फुल क्लीनिंग जो है करवाएं, जो आते हैं घर आते हैं यहाँ पे, और घर आके आपकी पूरी गाड़ी अच्छे से जो है इन एंड आउट साफ करके जाता है, क्लीन करके जाता है स्टीम से, तो वो सारी ऐसे जैसे एकदम धुलाई हो जाती है पूरी गाड़ी जैसे अंदर से एकदम धुल जाती है, सीट्स भी इस तरह से साफ होती है. तो अभी सोच रहे हैं अभी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, तो विल डू दैट सून. अभी क्योंकि थोड़ा ट्रैवल भी आ रहा है, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, मैं सारा जा रहा है, फिर मार्च में भी थोड़ा ट्रैवल है, तो अभी देखते हैं कब होता है. बट वी डेफिनेटली नीड टू गेट दैट डन, रियली इट्स क्वाइट बैड. अभी अंदर ऐसे तो साफ हो गया, जो वैक्यूम हो सकता था, अभी जैसे अभी अगर वाइप्स वेट टिश्यूज होते हैं, वाइप्स होते हैं, तो उससे जो है थोड़ा और सफाई हो सकती थी, अभी वो भी नहीं है. ये रखा हुआ था गाड़ी में, इसमें टिश्यूज तो हैं लेकिन ये ड्राई हो चुके हैं.
this, with this busy man, with this cute or handsome? What should I say? Cute or handsome? I decide. Both cute and handsome men. Hey, coffee date. Yay, at my favorite coffee place, Espresso House. Look, Jenny, muffins with caramel inside, like warm caramel. This is something new actually, right? Here they have chocolate inside. Take this. Is it one or two? What's one? It's one. This is honey latte. Then this is my caramel latte. Just love this place. Awesome vibe here. Just love it. Like, yeah, I just love it. So here I have chicken pesto focaccia sandwich and my caramel latte. Actually, हम लोग जब भी यहाँ इस कॉफ़ी शॉप में आते हैं तो अगर भूख लग रही हो तो हम यही सैंडविच लेते हैं, मैं और यही, हम दोनों का ही फेवरेट है. और यहाँ पर जो है ना, वैसे यूजली अगर मैं कहीं कॉफ़ी हाउस जाऊँ कॉफ़ी लूँ तो वो कैपुचिनो होती है, बट यहाँ पे मुझे ये कारामेल लाटे जो है बहुत पसंद है, माई फेवरेट. मैंने बहुत सारी यहाँ की कॉफ़ीज ट्राई की हैं बट दिस वन इज़ माई फेवरेट. चलें हम लोग ज़रा अपनी कॉफ़ी डेट इन्जॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से. कॉन्सर्ट, उसका जो भी वर्कशॉप, कॉन्सर्ट कह सकते हैं क्योंकि उसका जो भी वर्कशॉप था आज, दो तीन घंटे जो उसने प्रैक्टिस किया है, सो उसी का बस थोड़ा सा वो शो होगा, दिखाएगी कि वट वॉज शी वॉज प्रैक्टिसिंग. एंड या बाकी जो कॉफ़ी देता वो बहुत अच्छा था एक्चुअली, यू नो इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि हम लोग मैरी आई है आई थिंक साल से ज़्यादा हो गया हम लोग नहीं इस तरह से कॉफ़ी पे गए थे बाहर. घर पे तो चाय पीती रहते हैं लेकिन इस तरह से बाहर सिर्फ हम दोनों, कोई फ़ोन नहीं कुछ नहीं, बस बातें और यू नो, तो अच्छा था, थोड़ा सा टाइम इस तरह से हम लोगों ने स्पेंड किया. और वैसे भी पिछले एक हफ्ते से याया जी जो है बहुत बिजी रहते थे, सुबह जाना शाम को आना और फिर आके खाना खा के सो जाना, यही जो है इन जनाब की रूटीन थी. तो इस वजह से भी जो है हम टाइम ज़्यादा साथ में स्पेंड नहीं कर पाए थे, तो मज़ा आया. एनीवेज तो चलते हैं अब सारा जी को लेने के लिए. आज सारा जो इतने बड़े ग्रुप के साथ प्ले करेगी, ह्यूज ग्रुप दैट शी वाज प्रैक्टिसिंग विद टुडे. एंड वेयर इज शी? लेट्स ट्राई टू फाइंड हर, जस्ट देयर. हां गई, हमारी सारा मैडम प्रैक्टिसिंग हर नोट्स. इट्स अ नाइस एंड बिग ह्यूज ग्रुप दैट शी इज गोइंग टू प्ले विद टुडे. यहाँ पे शेलो है, वायलिन है, ड्रम्स हैं, आई थिंक गिटार भी कहीं है, फ्लूट है, फ्लूट वहाँ पे, फ्लूट एंड आई थिंक ट्रम्पेट भी कहीं है वहाँ पे, देयर इज ट्रम्पेट. It's nice. इस लड़की के ड्रामे शुरू हुए हैं, जल्दी पहनो इसको, ठंड हो रही है. इट्स ओवर, लेट्स गो होम, आई एम टायर्ड. सुबह सुबह उठ गई आपके लिए, मैं सुबह सुबह आपके लिए उठ गई मैं, बट लेट्स गो ना. यू वर ऑल्सो रिकॉर्डिंग, शी वॉज ऑल्सो रिकॉर्डिंग. हकुना मटाटा.
गुड आफ्टरनून गाइस, इट इज द नेक्स्ट डे और इस वक्त है दोपहर के ढाई बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए ढाई बजने में। एंड अगेन मैं आज पे नहीं कर रही हूँ, इट इज अ बिजी वीकेंड, घर पे नहीं हूँ ज्यादातर, बाहर जा रही हूँ। सो अच्छा भी है क्योंकि आई हैड अ लेजी वीक, सो या इट्स गुड। एनीवेज तो इस वक्त जो है मैं बाहर जा रही हूँ सारा को लेके, क्योंकि सारा की जो है बॉलिंग है क्लास के साथ, उसकी क्लास से इकट्ठी होकर बॉलिंग पे जा रही है, तो उसको मैंने वहां ड्रॉप करना है। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं और फिर 2 घंटे में उसको ले भी लेना है, यानी कि 4:30 बजे तक। फिर मैं सोच रही हूँ कि वो 2 घंटे में घर आके दोबारा वापस जाने के बजाय जो है कुछ ऐसी कोई थोड़ी ग्रोसरीज होनी है वो कर लेंगे, थोड़ा अगर टाइम मिला तो देखते हैं कोई कुछ कॉफी वॉफी पी लेंगे, देखते हैं क्या करता है। बट अभी जो है निकलते हैं क्योंकि 10 मिनट में जो है वहां पहुंचना है। ठीक है तो चलो। Look who's already waiting for me in the car and also excited for बाप रे मेरे भी कान खराब करेंगी और हमारे रेनबो फैमिली के भी आप काम कान खराब करेंगी। इट्स नॉट फनी एट ऑल। इट्स अ रियली नाइस प्लेस फॉर बॉलिंग एक्चुअली। ये एक होटल है और यहाँ पे जैसे स्विमिंग है और यहाँ पे रेस्टोरेंट है, बॉलिंग है, किड्स का जो है प्ले एरिया भी है। बट इट्स अ होटल सो यू कैन स्विम ऑल द टाइम, यू रिमेंबर दैट राइट? या इट्स अ होटल, इट्स नॉट ऑल द टाइम ओपन फॉर स्विमिंग अदर पीपल, ओनली फॉर गेस्ट्स। हियर वी आर बॉलिंग, चलो। वेयर इज योर, where are your friends and teachers? Teachers? Find your friends. Class. ठीक है? ठीक है जूते? Police. तो लूज़ है ना? Police. हाँ 33 है, देखो मैं देखती हूँ, रुको। ये लो। अब ठीक है? बेटर? ओके चलो चलो चलो। अच्छा जाए तो सही, सारे ये वाले लीजिए, ये वाले ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं, ये देखो देखो ऐसे और ऐसे, नहीं ऐसे और ऐसे, राइट सारा यू फर्स्ट, सबसे पहले आपका टर्न है, योर टर्न। अरे ये वाली लेना आपकी, ये बहुत हैवी आपके लिए, ये वाली ले। अब मैं जा रही हूँ घर, ठीक है? इसको मेरी फिक्र ही नहीं है, इसको बॉलिंग पे फिक्र है सारी, फ्रेंड्स एंड बॉलिंग, इसलिए मैं जा रही हूँ। ओके हैव फन। चलिए जी, सारा को जो ड्रॉप कर दिया मैंने और अब चलते हैं ग्रोसरीज के लिए। और ना जैसे ये जो मुझे लगा था शायद क्लास की टीचर्स ने जो अरेंज किया है, लेकिन टीचर्स ने नहीं, पेरेंट्स ने जो है ये बच्चों के लिए एक्टिविटी जो है अरेंज की थी। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे सारा का जहाँ स्कूल जाते हैं, आई थिंक डेनमार्क में भी है, पूरे डेनमार्क में ऐसा होता है कि ना क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप के जो है 2-3 पेरेंट्स जो है वो ग्रुप के हेड होते हैं। तो क्या होता है कि वो जो पेरेंट्स हैं बच्चों की इस तरह से जो है एक्टिविटीज इकट्ठे पूरी क्लास की जो है अरेंज करते रहते हैं, ताकि उसका जो रीजन ये होता है कि एक तो इससे बुलिंग जो है नहीं रहती है, सारे बच्चे आपस में जो है फ्रेंड्स रहते हैं और
बच्चों की जो है बच्चे एक दूसरे को जानते भी हैं, सोशलाइज भी करते हैं और पेरेंट्स भी जो है आपस में फिर जो है एक दूसरे को जानते हैं, सोशलाइज करते हैं, बात करते हैं। जो क्लास के जो यानी कि पेरेंट्स होते हैं, जैसे मैं गई वहाँ, मैं सबसे मिली, बातचीत की, लेकिन क्योंकि मुझे जाना था ग्रोसरीज करनी थी, मैं वहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती थी। वैसे दो तीन पेरेंट्स ही थे, तीन चार पेरेंट्स थे जो कि ग्रुप के हेड होते हैं वही थे, बाकी सारे बच्चों के पेरेंट्स नहीं थे। मैं रुक सकती थी अगर चाहती तो, बट मैंने कहा चलो सारा जो है एंजॉय करे, वरना मैं अगर वहाँ रहूँगी तो वो थोड़ा कॉन्शियस रहेगी, तो मैं चाह रही थी कि वो फुली अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करे, इसलिए मैं फिर वहाँ नहीं रुकी हूँ। और आई थिंक इट्स अ रियली 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 गुड थिंग कि इस तरह से जो है यहाँ पे चीज़ें होती हैं और बच्चे जो है फिर इस तरह से बुली नहीं बनते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स बन के रहते हैं और एक दूसरे से जो है अच्छे से बातचीत करते हैं। कि बेस्ट फ्रेंड्स नहीं भी हो लेकिन एटलीस्ट एक अच्छा जो है रिलेशनशिप रहता है बिटवीन टू क्लासमेट्स, तो अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है मुझे लगता है। और बच्चों की एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं, फन भी होता रहता है। एनीवेज तो चलते हैं अब ग्रोसरीज के लिए, एंड देन अभी क्योंकि 3 बज गए हैं तो 1.5 घंटा है अभी मेरे पास, जब तक मुझे से तब तक इसे वापस यानी कि क्या कहते हैं पिक करना है। और वैसे भी सारा जो है ना बॉलिंग जो आई थिंक लाइफ में 2nd या 3rd टाइम बॉलिंग आई है, मैं हम लोग भी क्योंकि मैं और यहाँ भी इतना आते ही नहीं है बॉलिंग के लिए, तो इसलिए जो है ना वो बहुत एक्साइटेड थी और उसको मैंने थोड़ा सा सिखा दिया कि ऐसे 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 करना है, तो इट्स फन। मुझे ऐसा लगता है कि ना आई थिंक कमिंग मंथ्स जो है यानी कि ट्रैवलिंग जब हमारी ज़्यादा ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं और यहाँ जो है ना इसको लाएंगे बॉलिंग के लिए, मेरे यहाँ के साथ थोड़ा बॉलिंग करेगी ना, इट बी फन। देखते हैं करते हैं कुछ ऐसा प्लान, मैं करूंगी आया से बात, बट एनीवेज लेट्स गो नाउ। यहाँ मुझे पकाने के लिए लेना, मुझे कुछ भी जो है समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। लाइक लिटरली यहाँ पे इतने बड़े बड़े कद्दू रखे हुए हैं, पम्पकिंस, एंड यहाँ पे देखो इतनी बड़ी गोभी है, लाइक लिटरली ह्यूज। बट गोभी से जो है घर में ग्लो होती है गैस, तो नो गोभी। आलू से बढ़ती है, आलू जो है हेल्दी नहीं है, या कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल, तो याहिया को भी पसंद नहीं है, सारा को भी आजकल कह रही है कि आलू पसंद नहीं है, तो मैं अकेली अपनी पसंद के लिए क्यों लूँ भाई आलू, 3 लोग ही तो हैं खाने वाले, सो नो आलू। फूल गोभी, यार क्या लूँ। अब फूल गोभी भी खाली फूल गोभी थोड़ी ना बना सकती, आलू गोभी बनाओ तो मज़ा भी आता है। Found my favorite Doritos snacks, guys. ये इतने spicy है ना, like literally actual spicy ये Doritos हैं। पाकिस्तान में पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते, अगर मिलते तो आप लोगों को definitely जो है ये try करने चाहिए, जिन्हें try किया उनको ये पता होगा कि these are damn spicy and yummy। क्या ये को भी बहुत पसंद है। मुझसे एक बार किसी ने कमेंट में पूछा था कि यहाँ पे जो है चिकन या मीट जो है हलाल मिलता है कि नहीं, तो गाइस ये देख लीजिए यहाँ पे फोकसोजा, ये देखिए ये रहा हलाल का साइन। सो यस, यहाँ पे जो है हलाल मिलता है, सारी हर एक कंपनी का हलाल नहीं होता लेकिन ये वाली कंपनी का जो है डेफिनेटली हलाल होता है। अब वो यानी चिकन हो या लैम हो, वो इस कंपनी से अगर आता है तो वो डेफिनेटली हलाल है। मैं ये 4 बज गए हैं और मैं फ्री हो गई हूँ, सारा को लेने आ गई हूँ, उसने आधे घंटे में फारिग होना है, तो चलो कोई नहीं थोड़ी सी इसकी गेम ही देख लेंगे, कोई नहीं। और कॉफ़ी का टाइम रहा नहीं, ग्रोसरीज मैंने कर ली है, तो आई थिंक इट्स ओके। और वैसे भी यहाँ घर पे है नहीं तो कोई घर जाने की जल्दी तो है नहीं, आजकल यहाँ जी बड़े बिजी रहते हैं, वीकेंड्स पे भी जनाब का काम होता है, समझू तो क्या काम है, इतना बिजी क्यों है बताएंगे इन टाइम, बट फॉर नाउ He's busy। यहाँ पे आके और फील देख के मैं दिल कर रहा मैं कॉफ़ी ले ही लूँ, क्या ख्याल है, ले लेते हैं, यस कैपुचिनो लेते हैं। सारा का ना थोड़ा हो गया है मूड ऑफ क्योंकि मैं इसे स्विमिंग के लिए मना कर रही हूँ, लेकिन अच्छा zip it, लेकिन मुझे एक चीज तो बताओ, आई वॉन्ट टू नो वन थिंग, हाउ वॉज बोलिंग, आपने ये तो बताया ही नहीं मुझे, जीता कौन, हु वॉन इन योर टीम, हु वॉन, आपकी टीम में 4 लड़कियां थी ना, हाँ तो कौन जीता, फर्स्ट मैं वन, देन इट वाज
Ella or Ali? You won! You didn't win. Nope. Second, third? First time I think I got second, but like one of the times when I shot, I went on the other side. Huh? Second time, one of the times when I shot, it went on the other side. कोई बात नहीं, ऐसा होता है. अगर तो मेरे साथ भी कितना ऐसा हुआ, शुरू शुरू जब मैं छोटी थी और बॉलिंग करती थी तो वो भी साइड पे चली जाती थी कभी कभी. There's no, like you went on the other side, on mine. हाँ जी, दूसरे की लेन में चली जाती, ऐसा होता है. But was it fun? Yeah. And guys, we're traveling soon. Just 1 week to go for our travel. आज संडे है एंड नेक्स्ट वीक संडे वी आर ट्रैवलिंग मी एंड सारा मदर एंड डॉटर टीम. इतनी बोरिंग टीम. आर वी बोरिंग? देन व्हाई? आई जस्ट कैन स्माइल ऑल डे लॉन्ग. है? आई कैन स्माइल ऑल डे लॉन्ग. यू कैन स्माइल ऑल डे लॉन्ग. आई कैन्ट. यू कैन स्माइल ऑल डे लॉन्ग बट देन शी पेंटेड दिस. या दैट वाज व्हेन आई वाज हैप्पी. नाउ आई एम नॉट हैप्पी. ऑल डे लॉन्ग. अच्छा चलो घर चलते हैं. और घर चल के मुझे बनाना है खाना एंड मैं डू ना लाइक आई एम एग्जॉस्टेड. सो इस वक्त जो है 8:30 हो गया है. घर आ गए थे हम लोग अराउंड 5:30 और उसी टाइम जो है याया भी आ गया था. एंड मैं सोच सोच के आई एंडेड अप मेकिंग बिरयानी. मैंने तवे वाली नहीं बनाई, मैंने चावल जो है ना ग्रेवी जो बनाई थी उसी में मिक्स करके यानी कि बनाए या ऐसे ही. एनीवेज तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे खत्म और आप लोग को मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. Don't forget to smash that subscribe button and hit the notification bell and give a big thumbs up and follow us on Instagram and Allah Hafiz.